ये कहानी एक 15 साल की लड़की की है जो पहली बार किसी के साथ टप्पा टप करती है और फिर उसके सर पर ये सब करने का भूत सवार हो जाता है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं। अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। मेलिसा और उसकी माँ की आपस में ज्यादा बनती नहीं, इसीलिए वह अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब। उसकी ग्रैंड मदर को सिगरेट पीने की आदत थी। एक सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मॉम जाती हुई और वह खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डेनियल के घर जाती है। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पार्टी थी। आज वह नर्वस थी क्योंकि वह डेनियल को बहुत पसंद करती थी, पर डेनियल ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। डेनियल के घर कई दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। ये देखकर मनीषा भी स्विमिंग करने जाती है। जब वो उनके पास जाकर बैठती है तब डेनियल उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था। जब इस बात का पता डेनियल को चलता है तब वह उसे पकड़कर किनारे तक ले आता है और फिर मेलिसा से कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है कि क्या दिखाएगा, पर वह गार्डन दिखाता है। अब यहाँ डेनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज यहाँ अकेले आना होगा। ये सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मेलिसा डेनियल को बता है कि वह अभी भी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डेनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उससे प्यार करती है, तो वह इस चीज का फायदा उठाता है और मेलिसा भी मना नहीं करती, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती थी। मेलिसा की छुट्टियाँ अब खत्म हो गई थी और आज उसका स्कूल में पहला दिन था, जहाँ स्कूल में मेलिसा डेनियल का वेट करती है, पर वह नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डेनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं और ना ही कभी उसने कॉल किया था। मेलिसा की दोस्त मेलिसा को बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी बुक में डेनियल के बारे में लिखती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डेनियल एक क्लब में है, तो वह दोनों उस क्लब में जाते हैं, जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डेनियल को देखती है। डेनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ वह उसे कहता है कि अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वह उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डेनियल का एक दोस्त आता है और वह मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डेनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे कहता है कि वह उसे अकेले में बात करना चाहता है, तो मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डेनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वह दोनों टप्पा टप करते हैं कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन डेनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। दरअसल डेनियल बस उसका फायदा उठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डेनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वह भी लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करेगी। अब इसके बाद मेलिसा के ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहती थी। पर यह मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे उसकी ग्रैंड मदर से दूर करना चाहती है। इस बात पर मेलिसा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तब वह काफी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग लेस अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है, जहां एक आदमी उसे देखने लगता है। तब मेलिसा उसकी फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे वह उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वह आदमी उनके पास आकर बैठता है वह उठकर वहां से चली जाती है। उसने यह तय किया था कि अब वह बस लोगों की फीलिंग लेस संगीत की ग्रैंड मदर उसके घर आई है। ये देखकर वह बहुत खुश होती है, पर जब उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को देखती है तब वह समझ जाती है कि मेलिसा अब काफी बदल गई है। वह यह बात मेलिसा की मोम को भी बताती है, पर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो मेलिसा की ग्रैंड मदर खुद मेलिसा को समझाती है। इसके बाद मेलिसा को डेनियल का कॉल आता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। वह उसे कहता है कि वह उसे काफी मिस कर रहा है, तो मेलिसा पहले का सब कुछ भूलकर उसके पास जाती है, जहां वह दोनों मिलते हैं और किस करने लगते हैं। अब यहां डेनियल मेलिसा को आंखें बंद करने को कहता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डेनियल अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त आकर मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डेनियल मेलिसा को अपने के साथ गपागप करवाना चाहता था, पर मेलिसा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। डेनियल उसे मनाने की कोशिश करता है पर वह नहीं मानती। लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके दोस्त को किस करने लगती है और वह उसके दोस्त के साथ टप्पा टप करने के लिए
मान जाती है ऐसा करके, या तो वह डेनियल को चलाना चाहती थी लेकिन कुछ या फिर वह इसको ट्राई करना चाहती किस करने लगती है। अगले दिन वह यह सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है, करने के लिए मान जाती है। सुनकर उसकी दोस्त उसे डांटते हैं और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है, पर मेलिसा को इन सब से काफी खुशी मिली थी और वह साइट पर अपना अकाउंट ओपन करती है ताकि वह अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वह वहाँ बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था। एक दिन अब यहाँ मेलिसा उसके साथ टपा टप करती है। मेलिसा अपनी सारी प्राइवेट बातें अपनी बुक में उसके पास एक आदमी जब एक दिन वह स्कूल जाती है तब वह देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी फ्रेंड को बहुत डांट जब एक दिन वह स्कूल जब वह घर जाती है तब वह देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर को अपना जीवन साथी मिल गया है। ये देखकर उसे भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे। साथी मिल गया है। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिसा घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती काश है। उसे भी कोई और उसे ऐसा उस मिले चीज के लिए माफी मांगती है पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। जब मेलिसा घर वहीं पास ही एक लड़का मेलिसा को देख रहा था, उसका नाम मार्क था और वह मेलिसा को बहुत पसंद करता था पर मेलिसा ने उसे कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। मेलिसा को देख रहा मार्क से बात करने के लिए उसके पास आता है पर तभी मेलिसा को डेनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने जाती है तब वह उसे एक बंकर में ले जाता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है पर वह उसे किसी तरह से मना लेता है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहाँ और भी लड़के थे। वह सभी मेलिसा को किस करने लगते हैं। मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ एक के बाद एक इंटीमेट होती है। ये सभी वही लड़के थे जो उस दिन डेनियल के स्विमिंग पूल में थे। जब वह स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पर मेलिसा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का कोई पछतावा नहीं है और वही सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम मेलिसा के कमरे में जाती है जहां वह उसकी डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वह मेलिसा के बारे में सब कुछ जान गई थी। वह मेलिसा को कॉल करती है पर वह कॉल नहीं उठा रही थी। दरअसल वह एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिसा की मॉम ये बात मेलिसा की ग्रैंड मदर को बतानी चाहती है पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उसे बहुत हर्ट होता है। जब मेलिसा वापस आती है तब उसकी मॉम उसे उस डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिसा कहती है कि हाँ ये सब सच है। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। उसे पछतावा हो रहा था कि वह उसका ख्याल नहीं रख पाई। वह उससे माफी भी मांगी है तो वहीं दूसरी तरफ मेलिसा को भी अब गिल्टी फील होता है। कुछ टाइम बाद जब वह स्कूल जाती है तब वह देखती है कि डेनियल अपनी दोस्त से लड़ रहा था क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डेनियल मेलिसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर अब मेलिसा उसे जरा भी भाव नहीं देती। एड में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब चेंज हो गई थी। वह अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को जी रही थी और यहाँ ये मूवी एड हो जाती है।